सीधी जिले में सरेआम चल रहा है भ्रष्टाचार। ग्राम बड़खड़ा 734 जनपद पंचायत रामपुर नेगिन जिला सीधी में सरपंच व सचिव ने मिलकर जिस सड़क निर्माण के लिए सरकार ने 2,55,000 रुपए की राशि निर्धारित की थी, उस राशि का भ्रष्ट सरपंच और सचिव के द्वारा आहरण कर लिया गया, जिसकी शिकायत कुछ लोगों के द्वारा कलेक्टर मालवी साकेत से कई बार की जा चुकी है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई भ्रष्ट सचिव और सरपंच पर नहीं हुई। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन में भी कई बार की है, लेकिन उनके द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपको बता दें कि जिस सड़क निर्माण के लिए सरकार ने 2,55,000 रुपए निर्धारित किए थे, उस पैसे का रोड निर्माण न करके बड़खड़ा सरपंच और सचिव द्वारा खुद की शान शौकत और उनके घर खर्च में उपयोग की जा रही है। आपको बता दें कि इसकी शिकायत गांव के कुछ लोगों ने कलेक्टर से भी की है। कलेक्टर ने आदेश जारी किया है, मामले की जाँच करा कर दोषी पाए जाने पर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। आप देख सकते हैं स्क्रीन में जो रोड दिखाई दे रहा है, इसी रोड का निर्माण कार्य कागजों में दिखा कर वर्ष 2020 में पैसा निकाल लिया गया, परंतु आज तक रोड का निर्माण नहीं हुआ। आपको बता दें कि यह रोड ग्राम बड़खड़ा 734 जनपद पंचायत रामपुर नेकिन जिला सीधी के अंतर्गत आती है, जिसके निर्माण के लिए सरकार ने आज से 3 साल पहले 2,55,000 रुपए सड़क निर्माण के लिए दिए थे, लेकिन सरपंच और सहायक सचिव के द्वारा इस रोड निर्माण को कागजों में दिखा कर सारा पैसा निकाल लिया गया और आज तक रोड का निर्माण नहीं हो पाया, जिससे ग्रामीणों को कई समस्याओं से गुजरना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि बरसात में बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। अब सवाल ये उठता है कि क्या सीधी कलेक्टर खुद ऐसे भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देते हैं, और यदि नहीं तो आज तक ऐसे भ्रष्ट सरपंच और सचिव पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। यदि आपके पास भी ऐसी कोई समस्या है तो हमें जरूर बताएं, और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें द खबरदार न्यूज़। हम मिलेंगे आपको अगली ऐसी ही किसी खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।